नमस्कार मित्रों, मैं हूं बीएल यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरुजी जैन हुई। तो आज हम लोग क्विज में टाइमर सेट करने वाले हैं, काउंट डाउन टाइमर कैसे सेट करते हैं तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो टाइमर वगैरह सेट किए जाते हैं, ये गूगल फॉर्म के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो अलग अलग होते हैं, उनको हमको ऐड ऑन से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ऐड ऑन से कहाँ से कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो देखिए ये जो यहाँ पर 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, तो ये 3 डॉट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन 3 डॉट पर जब हम क्लिक करेंगे तो देखते हैं कि यहाँ पर देखिए नीचे ऐड ऑन दिखाई दे रहा है, ऐड ऑन्स, ये जो ऐड ऑन्स दिखाई दे रहा है ये, इस पर हम क्लिक करेंगे। ऐड ऑन्स पर जब क्लिक करेंगे तो इसके बाद ये हमको जो है ऐड ऑन्स का जो प्ले स्टोर है वहाँ पर ले जाता है, और इस प्ले स्टोर पर देखिए बहुत सारे एप्लीकेशंस हमको दिखाई दे रहे हैं। तो हमको जो चाहिए आज, उसके लिए हम यहाँ पर ये देखिए जीसूट मार्केट प्लेस में यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं और सर्च करेंगे टाइमिफाई डॉट मी, ये इस प्रकार से है, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है टाइमिफाई डॉट मी। तो टाइमिफाई डॉट मी डालेंगे यहाँ पर इसमें तो आपको मिल जाएगा, और ये अभी आ गया है। तो अब इसको हम जो है क्या करते हैं कि क्लिक कर लेते हैं, और क्लिक करके इसको हम यहाँ पर देखिए इंस्टॉल का ऑप्शन मिल रहा है हमको, इंस्टॉल का ऑप्शन यहाँ से मिल रहा है, इसको हम क्लिक कर देंगे और इसके बाद फिर ये कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद मित्रों देखिए अब ये जो है एक नया पॉपअप विंडो हमारे सामने खुला है, जिसमें हमारी ईमेल आईडी वगैरह जो डिफ़ॉल्ट ब्राउजर की रहती है वो पहले दिखा देता है, ये दिख ही रहा है आपको। इसको जो है हम क्या करेंगे कि ईमेल आईडी पर क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करने के बाद फिर अब हम यहाँ पर चले आएंगे फटाफट नीचे, और हमको अलाउ तो करना ही पड़ेगा, बिना अलाउ किए तो जो है हम काम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद फिर ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है, और इंस्टॉल होने के बाद ये नेक्स्ट आ रहा है। फिर इसके बाद हम जो है कंप्लीट एडिशनल सेटअप, इसको जो है देख लेते हैं क्या है कंप्लीट एडिशनल सेटअप। उसके बाद ये कह रहा है कि साइन इन वगैरह करने के लिए, साइन इन कर लेते हैं। साइन इन करने के बाद ये जो आईडी वगैरह है उससे, इसके बाद इसकी जो टर्म कंडीशंस हैं वो सब यहाँ पर हमको पढ़ लिया हमने, और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर ये हमसे नाम पूछेगा, चलिए अपना नाम डाल देते हैं। सेलेक्ट पर्पज पूछ रहा है, तो हमारा अपना पर्सनल ईमेल है, और सेलेक्ट ऑब्जेक्टिव तो हमारा एजुकेशनल है, एजुकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पासवर्ड हमसे पूछ रहा है, उस पासवर्ड हम बना ये जो है, और पासवर्ड बनाने के लिए टर्म कंडीशन नीचे दिया हुआ है जैसा आप जानते ही हैं। तो चलिए हम पासवर्ड बना देते हैं फटाफट और सेव कर देते हैं। इसके बाद देखिए ये हमको यहाँ पर ये टोकन दे रहा है, सॉरी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, तो एक ही बार में टोकन कॉपीड दिखा दिया। अब इसके बाद हमको क्या कह रहा है कि चलिए अब हम ये हमारी क्विज है, ठीक है, इसको हमने डन कर दिया और इसको हमने क्लोज कर दिया। ये यहाँ पर जाएंगे और ये देखिए यहाँ पर हमसे टाइमिफाई डॉट मी से क्लिक कर, अभी इसको एक बार ब्राउजर को हम रिफ्रेश कर लेते हैं थोड़ा। रिफ्रेश करने के बाद ये जो एड ऑन्स आया है, पर हम टाइमिफाई पे फिर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कॉन्फ़िगर मांग रहा है, और हम कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे तो फिर देखिए तो ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास खुला है। पहली बार जब खुलेगा तो हमसे यहाँ पर जो है वो जो हमने कॉपी किया है उसको पेस्ट करने के लिए बोल रहा है टोकन, तो हम यहाँ पर इसको कंट्रोल भी करके पेस्ट कर दिए ये टोकन, और उसके बाद फिर ये कनेक्ट कर देंगे। और कनेक्ट करने के बाद अब इनेबल करना है, ठीक है, इनेबल कर देते हैं, थोड़ा इंतज़ार करेंगे। अब ये जो है इनेबल हो गया है। अब हमको टाइम वगैरह की सेटिंग कैसे करना है तो इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो इसके बाद फिर अब हम ये जो हमारा ऐड ऑन है इसी पर हम चले जाते हैं, ऐड ऑन पर। ऐड ऑन पर ही चले जाने के बाद फिर से देखिए अब हमारा जो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो टाइमिफाई है हमारा, टाइमिफाई को सर्च कर ही लेते हैं, TIM टाइमिफाई डॉट मी, इसको सर्च करते हैं टाइमिफाई
सर्च करने के बाद देखिए इस पर हम क्लिक कर देंगे। फिर से क्लिक करने के बाद अब जो है हमको यहाँ पर नीचे चले आना है, नीचे एकदम नीचे, और ये जो यहाँ पर इनकी देखिए वेबसाइट दिख रही है यहाँ पर हमको जाना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, वेबसाइट पर इनके पहुँच जाते हैं। वेबसाइट पर जाने के बाद देखिए अब ये जो है हमारा मैथ्स क्विज वन दिखाने लगा। यदि आपने अभी तक गुरुजी जेएनवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ये लाल वाला जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, इसको ऐसे दबा दीजिए और ये बगल का जो घंटा दिख रहा है इस घंटे को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और ये ऑप्शन नोटिफिकेशन का जो दिख रहा है इसको भी ऑल करके ओके कर दीजिए, जिससे कि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत तत्काल नोटिफिकेशन मिल सके। अब मित्रों आपको यहाँ पर देखिए कुछ करना है सेटिंग। अब सेटिंग दो तरीके से हो सकती है। देखिए अगर आपके पास सबकी ईमेल आईडी है तो हम इस ऑप्शन को चुनेंगे क्रिएट टेस्ट। अगर मान लीजिए हमारे पास ईमेल आईडी नहीं और हम व्हाट्सएप वगैरह पर लोगों को लिंक भेजना चाहते हैं क्विज के लिए, तो यहाँ पर हमको पब्लिक फार्म लिंक पर जाना है। चलिए हम दोनों के बारे में बता देते हैं क्रिएट टेस्ट के माध्यम से। हम पहले जो है कुछ पार्टिकुलर लोगों के जिनकी हमारे पास ईमेल आईडी है तो कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम आपको लिंक दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्रिएट टेस्ट में जब हम जाएंगे तो क्रिएट टेस्ट में हमको जो है ये ऑप्शन क्या क्या मिलते हैं, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको जो है यहाँ पर उनके ईमेल आईडी डालनी है, और उसके बाद यहाँ पर फिर टाइम ड्यूरेशन सेट करना है। टाइम ड्यूरेशन के बाद यहाँ पर जो फ्री फीचर्स हैं ये ऑटो क्लोज और ये सब पे उसके बाद फिर क्रिएट कर देना है, और इस प्रकार से जो है वो लोग क्विज दे सकते हैं। लेकिन अगर हम जो है यहाँ पर हमारे पास ईमेल आईडी नहीं है तो हम उनको लिंक कैसे भेजेंगे, तो मान लीजिए हम व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना चाहते हैं जो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, तो हम इसलिए इसको क्लोज कर देते हैं और हम यहाँ पर पब्लिक फार्म लिंक पर जाते हैं। और पब्लिक फार्म लिंक पर जब हम क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पर क्या सेटिंग करनी पड़ती है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कॉपी लिंक दे दिया, और इसके बाद यहाँ पर अब हमको ओपन सेल्फ रजिस्ट्रेशन इसको जो है क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ हमको दिख रहा है ये एडिट डिफ़ॉल्ट सेटिंग। अभी यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग वो दिखा रहा है क्या, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन 60 मिनट दे रहा है और ऑटो क्लोज फार्म व्हेन टाइम ओवर, और इसके बाद हाई टाइमर नो, एनेबल कैमरा ट्रैकिंग नो, और अलाउ द व्यू क्विज स्कोर एंड रिजल्ट्स आफ्टर सबमिशन नो दिखा रहा है। तो अब हम इसको कर देंगे क्या, एडिट कर देते हैं। तो चलिए एडिट करके कैसे सेटिंग करते हैं, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे एडिट डिफ़ॉल्ट सेटिंग, और एडिट में जाएंगे यहाँ पर जो 60 मिनट हमारा टाइम दिया है इसको हम कर देते हैं 10 मिनट कर देते हैं 10 मिनट, और इसके बाद ऑटो क्लोज फार्म कर देते हैं, उसके बाद ऑटो क्लोज के बाद फिर जो है हम हाई टाइमर वगैरह ये जो है प्रीमियम प्लान में है आपको दिख ही रहा है तो इसको हम नहीं कर सकते। उसके बाद अलाउ टू व्यू क्विज स्कोर एंड रिजल्ट आफ्टर सबमिशन इसको हम अलाउ कर देंगे, और इसके बाद हम कर देंगे इसको सेव, और सेव करने के बाद फिर हम यहाँ पर देखिए ये कॉपी लिंक हमको जो दिख रहा है कॉपी लिंक पर हम इसको जो है क्लिक कर लेंगे कॉपी, और यहाँ क्लिक कर देते हैं कॉपी लिंक, और इसके बाद लिंक हो गई हमारी कॉपी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लिंक को कॉपी करने के बाद अब हम इसको जो है भेज देते हैं। चलिए किसको भेजें, तो किसी को अब वाइफ को अपने भेज देते हैं। इसको कंट्रोल वी हमने पेस्ट कर दिया लिंक और एंटर कर दिया, और लिंक हमारे पास हमारी पत्नी के पास चली गई। अब इसके बाद देखिए हम इस पर क्लिक करते हैं, तो देखिए क्लिक करने के बाद अब ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पर देखिए हमको दो ऑप्शन मिल रहे हैं। ये ऊपर देखिए एक ईमेल आईडी डाल करके लिंक मंगाने की बात कही जा रही है, और दूसरा है कि साइन इन विथ गूगल। तो हम जो है सेकंड ऑप्शन चूज कर लेते हैं, क्योंकि हर किसी का जो ब्राउजर होता है वो गूगल पे जो है लॉगिन होता ही है, ऐसा हम मानते हैं अधिकांश लोगों का ही रहता है। तो इसलिए जो है चाहे मोबाइल का ब्राउजर हो चाहे डेस्कटॉप का ब्राउजर, आपका ब्राउजर लॉगिन ही होगा, इसलिए आप जो है अब यहाँ पर साइन इन विथ गूगल पर क्लिक कर देंगे। और साइन इन विथ गूगल पर क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस प्रकार से स्क्रीन हमारे सामने खुलती है, और इस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये बता रहा है कि जब हम इस लिंक को ओपन करेंगे तो 10 मिनट
हमारे तब शुरू होंगे जैसे ही खोलेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले से जब से जेजी है तब से 10 मिनट का काउंटिंग होगा। इसके बाद फिर हमारे पास ऑप्शन आता है ओपन द फार्म। जैसे ही ओपन द फार्म पर हम क्लिक करेंगे हमारा काउंटडाउन शुरू हो जाता है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए फिर यहाँ पर हमारा काउंटडाउन ये दिखाने लगा। काउंटडाउन ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में ये छोटा सा ये, और ये आपके मोबाइल स्क्रीन पर हमेशा परमानेंट दिखता रहेगा जब तक 10 मिनट नहीं हो जाएगा। और 10 मिनट के अंदर अगर आप क्विज को सबमिट कर देते हैं तो सबमिट हो जाएगी, अगर नहीं सबमिट करते हैं तो क्विज सबमिट नहीं होगी। और अगर मान लीजिए आपने एक बार लिंक को क्लिक किया और फिर कुछ नहीं किया दोबारा, तो फिर आपको क्या समस्या हो सकती है, तो उसको भी हम दिखा देना चाहते हैं। तो चलिए जैसे कि अब आपको हम ले चलते हैं एक दूसरी स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए और यहाँ पर ना। तो अगर आप मान लीजिए लिंक को एक बार आपने क्लिक किया, कुछ मिस्टेक्स वगैरह की दो बार, उसके बाद दो बार के बाद फिर जो है ये आपको सीधे सीधे इस प्रकार से आपको एक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, सॉरी लिंक इज नॉट फाउंड और हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड। तो इसलिए जो यूजर्स हैं उनको आप बता दें वो केयरफुल रहें और पूरी तैयारी से परीक्षा की तरह जो है उसको देखें और एक बार में ही जब क्लिक करें तो एग्ज़ाम दे दें। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।